हेलो दोस्तों, मैं साक्षी कुकिंग साक्षी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक लच्छा पराठा, जो कि बहुत ही परत वाली बनेगी। और वो कैसे बनेगी वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। और ये बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गार्लिक लच्छा पराठा बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। गार्लिक पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये एक बाउल आटा लिया है, ये 150 से 200 ग्राम के आसपास आटा है। इसको हम बड़े से बाउल में ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ऑयल को मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक या टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले नमक और ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के डो तैयार करना है। देखिए, आटा तैयार हो गया है और देखिए कितना सॉफ्ट है। तो अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमने आटा रेस्ट करने के लिए रखा है उधर, और तब तक हम गार्लिक का ये पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बटर लिया है थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, ये 4-5 कलियाँ लहसुन के। इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, आप चाहें तो बारीक ग्रेट भी कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के। अगर बटर आपको कम लगे तो और बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो, ये मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है, और चिली फ्लिक्स, ये भी आधा छोटा चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसमें मैं नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाल रखा है पहले से ही। तो बस हमारा गार्लिक का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम 5 मिनट में पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा गार्लिक का पेस्ट भी तैयार हो गया है और आटा को भी रेस्ट करके 10 मिनट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे। अब इसको हम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितना आपको पराठा बनाना हो। तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी और उनकी लोइयां बना लेंगे हम। देखिए, 4 लोइयां हमने बना ली हैं। अब एक लोई हम लेंगे और एक सूखे आटे में इसको रस्ट करेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे हम। देखिए, मैंने एक रोटी तैयार कर ली है बड़ी सी। अब इस पर हम गार्लिक का जो पेस्ट है वो लगाएंगे। वो चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए लगाना है। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। देखिए, गार्लिक बटर पेस्ट मैंने इस पर लगा लिया है। अब इस पर हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से चारों तरफ स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसको कैसे फोल्ड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे हम पकड़ेंगे पराठे को, ऐसे ले जाके, जैसे हम कागज़ का फैन बनाते हैं ना, वैसे इसको फोल्ड करना है। ये मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, गार्लिक लच्छा पराठा बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है। इस पोर्शन को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इसको कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बीच में अंगूठा ऐसे लगाएंगे और इसको चारों तरफ से रोल करते हुए, ये जो हमारी लोई है, जो लास्ट पोर्शन है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको
अच्छे से प्रेस करेंगे। और इस पे सूखा आटा डस्ट करके हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए पराठा को मैंने बेल लिया है और देखिए ये कितना पतला मैंने बेला है। अब इसको हम सेकने के लिए तवे पे डाल देंगे। तो आहिस्ते से उठाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें सेकना है। एक तरफ से ये सेक गया है, अब इसे हम पलट के इस पर हम ऑयल लगाएंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर लगा हुआ है। आप घी या ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप खाते हो। इसको एक मिनट और सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ भी पलट के हम ऑयल लगाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब दूसरी तरफ भी हम पलट के ऑयल लगा लेते हैं। देखिए कितने सारे इसमें लच्छे बन के आए हैं। ये मैं आटे से बना रही हूँ, अगर आप मैदे से बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट लगेंगे। मगर आटे के जो पराठे होते हैं वो थोड़े हेल्दी होते हैं, इसलिए मैं आटे का बना रही हूँ। रहेंगे अच्छे से गोल्डन होने तक। देखिए पराठा अच्छे से सिक गया है और इसको मैंने दोनों तरफ पलट पलट के अच्छे से सेका है। और इसको सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगा है, 3 से 4 मिनट लगा है। अब इसको हम एक प्लेट पर ले लेंगे। देखिए दूसरे पराठे के लिए मैंने रोटी बेल लिया है और इस पर हम गार्लिक का पेस्ट लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से फैलाना है एकदम। देखिए गार्लिक पेस्ट लगा के मैंने इस पर धनिया स्प्रिंकल कर लिया है। अब हमें सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने पहला पराठा फोल्ड किया था। तो आराम से करिएगा। ये देखिए मैंने सेम ऐसे ही फोल्ड किया है जैसे मैंने पहला पराठा फोल्ड किया था। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे रोल करना है। तो बीच में हम उठा रखेंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए ले आएंगे और लास्ट वाले पोर्शन को इसके अंदर प्रेस कर देंगे। और अच्छे से प्रेस करना है इसे। अब इस पर सूखा आटा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। देखिए मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। अब इसको हम सेम उसी तरीके से सेक लेंगे जैसे हमने पहला सेका था मीडियम फ्लेम पे। देखिए दूसरा पराठा भी मैंने सेक लिया है। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पराठा खाने में कितना टेस्टी लगता है। बस आप इसको घर पे एक बार ट्राई करिएगा और खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया लगता है। और अगर आप एक बार बनाएंगे इसे तो बार बार बना के खाएंगे। अब मैंने दूसरा भी सेक लिया तो ऐसे ही करके हम सारा पराठा सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सारे पराठे सेक के तैयार हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने लच्छे वाले बनेंगे। ये देखिए कि कितने लच्छे वाले बनेंगे और बने भी बहुत सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करिएगा। आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। और रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।